हाल ही में देश के गृह मंत्री ने सदन में थ्री क्रिमिनल लॉ को जैसे ही बताया, चारों तरफ ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए लोगों में हंगामा मच गया। हर कोई, जो चाहे ट्रक ड्राइवर हो या फिर बस ड्राइवर हो, जगह जगह हड़ताल करने लगे। लोगों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया। तमाम तस्वीरें आपने देखी। इस दरमियान हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कानून को लेकर इनकी क्या राय होती है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप जान रहे हैं देश में तमाम तस्वीरें आ रही हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं, कहां तक ये जायज है? देखिए, जब सरकार सदन में अपने बहुमत का लाभ लेकर के कानून के रास्ते से तानाशाही लाना चाहे, तो देश की जनता का ये अधिकार है लोकतंत्र में कि सड़कों पे उतर करके अपना विरोध जाहिर करे, और वही इस देश में हो रहा है। अभी आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस जो ट्रक ड्राइवरों के लिए या ड्राइवरों के लिए जो कानून बना, उसका जिक्र किया जी। सरकार ने मात्र इतने ही संशोधन नहीं किए हैं, बहुत से कानूनों में संशोधन किए हैं जी। राजद्रोह और देशद्रोह को नए तरीके से परिभाषित किया है जी। इन सारे कानूनों का इस्तेमाल, बल्कि इस्तेमाल की जगह दुरुपयोग, इनका दुरुपयोग इस देश में तानाशाही प्रवृत्ति को मजबूत करने के लिए हो सकता है, ऐसी आशंका इस देश के जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को है जी। और यही वजह है कि लोगों के मन में आक्रोश है। चूंकि ट्रक ड्राइवरों का हिस्सा और देश में सड़क पर चलने वाले चालकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जी। जो रोज बरोज इन समस्याओं का सामना करता है, इसलिए वो सबसे पहले सचेत हुए हैं जी। लेकिन मेरा यह मानना है कि सरकार ने जो संशोधन किए हैं, निकट भविष्य में इसके दुष्परिणाम इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होंगे। सर, आपके हिसाब से किस तरीके के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं इस कानून को लेकर? उसके पहले हमको यह समझना होगा कि कोई भी तानाशाह कभी खुद को तानाशाह कहकर के तानाशाही कायम नहीं करता। हिटलर से लेकर के मुसोलिनी तक, उन्होंने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद का नारा देकर के, राष्ट्र के लिए खतरों का जिक्र करके कानूनों में मनचाहे संशोधन किए, और उन संशोधनों का मनचाहा इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को बाधित करने का, जेलों में भेजने का या दंडित करने का काम किया जी। मेरा मानना है कि भारत में भी सरकार की नीयत ऐसी ही है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान देश में कुछ वर्षों पहले, हालांकि वो यूपीए की सरकार में हुआ था, एक कानून पास हुआ था कि दागी व्यक्ति राजनीति न कर सके, जिसके तहत 2 वर्ष से ज्यादा सजा प्राप्त राजनीतिक लोगों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया गया जी। देश की जो लोकतंत्र में परंपरा रही है, हमेशा लोग जनता के अधिकारों के लिए, जनता की समस्याओं के लिए सड़क पर लड़ करके संघर्ष करते रहे और उनसे जनता को निजात दिलाते रहे जी। हमारे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं जी। वो प्रत्येक मुकदमे राजनीतिक आंदोलनों के हैं, कभी बिजली की समस्या को लेकर, कभी पानी की समस्या को लेकर के, कभी किसी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ उनको लेकर के। और ये भी हम आप जानते हैं कि आईपीसी की धाराओं में राजनीतिक मुकदमों के लिए कोई अलग से धारा नहीं होती है, सामान्य आईपीसी की धाराओं में ही उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं जी। पहले ये परंपरा रही कि राजनीतिक मुकदमों को न्यायपालिका से लेकर के समाज तक अलग दृष्टि देखता था, और राजनीतिक व्यक्तियों के लिए जो जितना ज्यादा जेल जाता था, जितने ज्यादा मुकदमे होते थे, वो एक सम्मान का विषय माना जाता था जी। आज देश में लोकतंत्र को इस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है कि आंदोलनकारी लोग अपराधी साबित हो रहे हैं, और मुझे तो इस बात की आशंका है कि जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से बाधित किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में इस देश से आंदोलन की राजनीति समाप्त होने जा रही है, जो इस देश के आम जनता के हित के लिए घातक साबित होगा जी। अगर हम कानून की बात करें, इसी ट्रांसपोर्ट से जगत से जो जुड़ा कानून है, उसमें सरकार ये कहती है कि अगर इस, क्योंकि पहले मांग भी होती रही, तमाम ऐसे क्राइम हो जाया करते थे हिट एंड रन के, लोग तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर आते थे और किसी को कुचल के निकल जाते थे, बाद में आसानी से उनको जमानत मिल जाती थी। तो अब सरकार की ऐसी मंशा है कि क्राइम को भी रोका जाएगा अगर इस कानून को सख्त किया जाए, जिसमें उन्होंने प्राविधान किया कि 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना लगाया जाए। तो क्या ये लोग जो चक्का जाम कर रहे हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो? देखिए, सड़कों पर दुर्घटनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि इरादतन हत्या करने के मामले वाहनों के माध्यम से जी अपवाद स्वरूप हो सकते हैं।
और कोई भी चालक अपराधी कोई चालक का रूप लग के बैठा हो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी चालक जानबूझ करके कभी किसी के साथ दुर्घटना करने का प्रयास नहीं करता। अब यहां ये बात भी आ जाती है कि भारत के कानून में ये बात भी कही गई, हम आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी, कि भारत की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि 100 दोषी छूट जाए बेहतर है, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार उस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है, सरकार ये चाहती है कि 100 बेगुनाह को सजा मिल जाए लेकिन एक गुनाहगार नहीं छूटने पाए। तो देखिये, प्रत्येक संशोधन उसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमको इस दृष्टि से देखना होगा कि ज्यादा संभावनाएं क्या हैं। और यहां मैं एक डॉक्टर अंबेडकर को कोट करना चाहूंगा कि जब देश अपना संविधान आत्मार्पित कर रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ही एक बात कही थी कि अच्छा से अच्छा संविधान भी अगर गलत हाथों में पड़ेगा तो घातक दुष्परिणाम दे सकता है। तो संविधान वही है, कानून वही है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वालों की मंशा अगर दूषित होगी तो निश्चित तौर पे इससे देश के लोकतंत्र को, देश के बहुत से नागरिकों को, और उसके भी ऊपर हमको सोचना चाहिए कि देश की व्यवस्था में भ्रष्टाचार जिस जड़ तक घुस चुका है, उस भ्रष्टाचार के रहते कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई निर्दोष जिसने जानबूझ करके दुर्घटना न की हो वो धन के अभाव में 10 साल की सजा काट सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस कानून के बाद धन उगाही भी होगी? बिल्कुल हो सकती है भाई, धन उगाही का सीधा संबंध भय से है। धन उगाही का सीधा संबंध भय से है। एक गुंडा आपके छाती पे पिस्तौल रख के जब कहता है कि हफ्ता दे दो नहीं तो गोली मार दूंगा, तो आपको भय दिखा करके आपसे पैसा ले रहा है। अगर पुलिस के पास या कानून के पास ये अधिकार है कि एक सड़क दुर्घटना को हत्या के तरीके से परिभाषित करके किसी व्यक्ति को 10 साल के लिए सजा हो सकती है और 302 के मुजरिम के तरीके उसके साथ व्यवहार हो सकता है, तो मार दुर्घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं और उनका इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके जो भ्रष्ट लोग हैं वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लोगों को पीड़ित कर सकते हैं उनसे। इस पूरे हड़ताल में ड्राइवरों के साथ किस तरीके से समाजवादी पार्टी खड़ी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की ये मंशा हमेशा रही कि समाज में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, जिसके पास संसाधन ना हो, उसको धन के अभाव में न्याय से वंचित ना होना पड़े, किसी को उसकी मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकारों से कानून की आड़ लेकर के वंचित न किया जाए। हमारा ये मानना है कि, और हमको ये आशंका है कि सरकार ये जो कानून लेके आई, और मैंने फिर शुरुआती दौर में कहा कि इस अकेले कानून की बात नहीं कर रहा हूं, इस सत्र में विपक्ष के 148 सांसदों को निलंबित करके जिस तरीके से मनमाने ढंग से कुछ संशोधन पास कराए गए हैं, उनके जरिए सरकार भविष्य में इस देश के लोकतंत्र से कानून की आड़ लेकर के खिलवाड़ कर सकती है, ये हमारा मानना है और हमारी दृढ़ आस्था है कि इस देश की जनता इसका विरोध करेगी और जब विरोध होगा तो सरकार उसको कुचलने का प्रयास करेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो सरकार के अन्याय को के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है। बात करने के धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जो तमाम ड्राइवर हैं, जो लोग चक्का जाम कर रहे हैं, उनके पक्ष में निरंतर खड़ी रहेगी।